क्या उत्तर प्रदेश में बेहतर परिणाम के लिए भारतीय जनता पार्टी को करनी होगी कड़ी मशक्कत? क्या यूपी में लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए बड़ी चुनौतियां हैं? हारी और कम अंतर से जीती किन सीटों पर आसान नहीं है बीजेपी के लिए लड़ाई? आइए हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने की कोशिश करते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में यूपी में भाजपा के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि भाजपा यूपी में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2014 में कर चुकी है, अब सभी 80 सीटें जीत पाना तो दो पत्थरों के बीच डूब उगाने जैसा होगा। हालांकि ऐसा करिश्मा आपातकाल के बाद हुए 1977 के आम चुनाव में हो चुका है। तब जनता पार्टी उस समय की सभी 85 सीटों पर अपना परचम फहराने में कामयाब हुई थी। सियासी पंडितों का तर्क है कि पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा 16 सीटें हार गई थी। उपचुनाव में आजमगढ़ और रामपुर दो सीटें जीती जरूर, लेकिन मुकाबला कड़ा रहा। सपा के गढ़वाली मैनपुरी और कांग्रेस का किला रही रायबरेली, ये दो सीटें ऐसी हैं जो भाजपा के लिए चुनौतीपूर्ण रही हैं। पिछले चुनाव में हारी और कड़े मुकाबले वाली 20 से ज्यादा सीटों के हालात अब भी पिछले आम चुनाव से ज्यादा अलग नहीं है। उल्टा कई सीटों पर मोदी फैक्टर की जगह प्रत्याशी फैक्टर हावी है। अब तक घोषित 63 सीटों में से करीब 10 सीटें ऐसी हैं जहां मतदाता इस बार भाजपा से नए चेहरे की उम्मीद कर रहा था, लेकिन पार्टी ने राम लहर का प्रभाव मानकर पुराने चेहरे पर ही विश्वास दिखाया। तो ऐसे में आइए हम आपको ये भी बताते हैं कि यूपी में इस बार क्या क्या है अहम बातें। पहला, राजनीतिक जानकारों का कहना है कि साल 2014 और 2017 के चुनाव की तरह तत्कालीन सरकार के खिलाफ वाला माहौल भी नहीं है। सरकार भाजपा की है, 2014 की तरह चतुष्कोणीय मुकाबला नहीं है। तब भाजपा अपना दल कांग्रेस रालोद महान दल गठबंधन के अलावा बसपा और सपा के बीच चतुष्कोणीय चौसर सजी थी। 2019 की तरह महागठबंधन जरूर सामने नहीं है, लेकिन त्रिकोण बनाने को मैदान में उतरी बसपा के पास पहले जैसे दमदार प्रत्याशी नजर नहीं आ रहे हैं। दूसरा, 2019 में बसपा प्रदेश की 37 सीटों पर मैदान में नहीं थी। ऐसी सीटों पर अपवाद स्वरूप छोड़कर दलित वोट महागठबंधन के बजाय भाजपा की ओर शिफ्ट हो गया था, जिसकी वजह से भाजपा की सीटें 2014 की अपेक्षा घटने के बावजूद मत प्रतिशत बढ़ गया था। तीसरा, ये बहुत अहम बिंदु है, इस चुनाव में सत्ताधारी दल के काम व्यवहार और आचरण की भी लोग चर्चा कर रहे हैं। चुनाव कार्यक्रम के ऐलान के साथ ही अलग अलग इलाकाई फैक्टर उभरने लगे हैं। एक और बड़ी बात ये कि पिछले दो चुनावों में भाजपा की सीटें बढ़ने की जगह घटी हैं। भाजपा 2014 की अपनी 71 सीटों की जगह 2019 में 62 सीटें और 2017 के विधानसभा चुनाव में मिली 312 सीटों के मुकाबले 2022 में 255 सीटें ही जीत सकी। ऐसा तब हुआ जब दोनों ही चुनाव राज्य और केंद्र की डबल इंजन सरकार के सत्ता में रहते हुए संपन्न हुए। एक और बड़ी बात, भाजपा कार्यकर्ता आजकल कहीं भी कहते मिल जाते हैं कि अब तो मंडल और जिलों से क्षेत्र तक के संगठन के कैडर की जगह विधायकों, मंत्रियों और सांसदों के पिछलग्गू पदाधिकारियों के नाम गिनाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ऐसे पदाधिकारी संगठन की शक्ति बढ़ाने की जगह अपने नेता की भक्ति में डूबे रहते हैं। इससे जमीनी कार्यकर्ता हताश हो रहे हैं। इन सब से हटकर प्रचंड गर्मी में मतदाताओं को घर से निकालने की भी एक बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने होगी। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि हमारा वोटर पॉजिटिव फैक्टर जैसी धारणा में चुनाव तक पूरा माहौल बनाकर वोट के दिन घर बैठ जाता है। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के बाद यूपी सहित भाजपा की कई राज्य सरकारें बर्खास्त कर दी गई। बाद के चुनाव में बर्खास्तगी के खिलाफ ऐसा आक्रोश नजर आ रहा था कि जिससे ये लग रहा था कि दो तिहाई बहुमत से सरकार बनेगी, लेकिन हुआ उल्टा। दूसरा वाकया तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय का है। पहली बार केंद्र सरकार ने अपने काम पर वोट मांगने का साहस दिखाया था। अति उत्साह में चुनाव के लिए इंडिया शाइनिंग का नारा दे दिया गया था। चुनाव भर खूब उत्साह नजर आया, लेकिन नतीजे आए तो बीजेपी ढेर। 2014 की सफलता से बेहतर प्रदर्शन के लिए पार्टी ने रणनीति और चुनाव प्रबंधन को लेकर आक्रामक प्रचार अभियान की जोरदार तैयारी की है। ये चुनाव के पहले से और अब प्रचार अभियान की शुरुआत तक साफ साफ नजर आ रहा है। चुनाव के ठीक पहले भाजपा ने श्रीराम मंदिर का निर्माण और भगवान श्रीराम की प्राण प्रतिष्ठा कर अपना सबसे बड़ा चुनावी वादा पूरा किया। इसे भाजपा
जो कहा सो किया की तरह प्रचारित भी कर रही है। भाजपा इस माहौल को बनाए रखने के लिए पूरी ताकत से जुटी हुई है। भाजपा सरकार वाले राज्यों के मुख्यमंत्री सहित उनके कैबिनेट तक अयोध्या जाकर दर्शन कर चुके हैं और इससे उन राज्यों सहित यूपी में लगातार चर्चा और माहौल बना हुआ है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता को अयोध्या लाकर दर्शन भी कराया गया है। 2019 की तरह विपक्ष में महागठबंधन नहीं है। सपा कांग्रेस गठबंधन की वैसी मजबूत स्थिति नजर नहीं आ रही है जैसी सपा बसपा रालोद की मानी जाती थी। बसपा अकेले चुनाव मैदान में है, इससे चुनाव त्रिकोणीय बनने के आसार बढ़ गए हैं और त्रिकोणीय मुकाबले में बसपा अपनी उम्मीद तलाश भी रही है, लेकिन सियासी पंडित इसे व्यापक स्तर पर भाजपा के लिए मुफीद ही मान रहे हैं। बसपा ने मुस्लिम प्रभावी इलाकों में मुस्लिम प्रत्याशी देकर दूसरे विपक्षी दलों की बेचैनी बढ़ा दी है। भाजपा ने हारी सीटों को जीतने के लिए खास रणनीति के हिसाब से काम किया है। पूर्वांचल में राजभर समाज के नेता ओम प्रकाश राजभर की सुभासपा और पश्चिम में जाट समाज के नेता जयंत चौधरी की पार्टी रालोद से भी हाथ मिला लिया। दारा सिंह चौहान के भाजपा में आने से नोनिया चौहान समाज के बीच समीकरण सुधरेगा। सुभासपा और रालोद राज्य सरकार का भी हिस्सा बन चुके हैं। अब आपको बता दें कि 2014 में राजग ने 73 और 2019 में 64 सीट जीतने के बाद 2024 के लिए सभी 80 सीटों का टारगेट तय किया है। भाजपा अगर इस बार ये करिश्मा कर पाती है तो ये बड़ी बात होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।